सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टेक्नोनेट विनोद को, सामने बेल आइकन को जरूर दबाइए लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि सर स्कॉलरशिप का जो फॉरवर्डिंग का आपने वीडियो बनाया है उसके स्टेप के अनुसार जो जब हम बच्चों की छात्रवृत्ति के आवेदन को फॉरवर्ड कर रहे हैं तो वो फॉरवर्ड नहीं हो पा रहा। तो दोस्तों इसी के बारे में आज का पूरा वीडियो है, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी शिक्षण संस्थान बच्चों की छात्रवृत्ति के आवेदन को फॉरवर्ड कैसे कर सकता है और आपको डिजिटल सिग्नेचर डिवाइस की ज़रूरत किस किस स्टेप में पड़ेगी। दोस्तों इससे पहले भी एक मैंने वीडियो बनाया हुआ है क्या कि कोई भी इंस्टीट्यूट बच्चों का स्कॉलरशिप एप्लीकेशन को कैसे फॉरवर्ड कर सकता है, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। और इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कुछ चीज़ें और क्लियरिफाई करके बताऊंगा जो आपको प्रॉब्लम आ रही थी। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ और हमारे इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। मैं विनोद कुशवाहा और आप देख रहे हैं टेक्नोनेट विनोद। तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले आपको अपने इंस्टीट्यूट शिक्षण संस्थान के स्कॉलरशिप पोर्टल में लॉगिन कर जाना होगा। जैसे ही आप लॉगिन कर जाएंगे तो इस तरह का वीडियो आपके व्यू आपके सामने खुल के आ जाएगा। दोस्तों इससे पहले एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है फॉरवर्डिंग का, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि उसमें मैंने आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया है कि आप लॉगिन भी कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूं कि आपको डिजिटल सिग्नेचर जो डिवाइस है उसकी ज़रूरत कब कब पड़ेगी। तो दोस्तों जब आप अपने शिक्षण संस्थान के स्कॉलरशिप पोर्टल में लॉगिन करेंगे तब आपका डिजिटल सिग्नेचर का डिवाइस आपके यूएसबी ड्राइव में लगा होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, लगा रहेगा, आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप अपना इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना है, पासवर्ड डालना है, उसके बाद आपके पास आपका सर्टिफिकेट का कंफर्मेशन आएगा, उसको ओके करेंगे, कैप्चा डालेंगे, उसके बाद आप लॉगिन कर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको डिजिटल सिग्नेचर डिवाइस की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो अपने यूएसबी ड्राइव से डिजिटल सिग्नेचर डिवाइस को निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला जो स्टेप आता है आप सीधे चलेंगे एप्लीकेशन मैनेजमेंट में, उसके बाद आता है रिसीव एप्लीकेशन। ठीक है दोस्तों, इस पर आपको क्लिक करना है, क्योंकि ये पूरा स्टेप बाय स्टेप मैंने पूरा आपको बता रखा है, लेकिन फिर से एक बार मैं इस वीडियो में भी आपको कुछ बता दूं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे जो भी आपके आवेदन बच्चों ने फॉर्म जमा किया हुआ है उसको सेलेक्ट करेंगे, उसके सामने रजिस्ट्रेशन नंबर नाम से मिला लेंगे और सेलेक्ट करेंगे, रिसीव करेंगे। ठीक है दोस्तों, रिसीव करेंगे तो ये जो रिसीव्ड आपका फॉर्म है वो चला आएगा वेरिफिकेशन के कॉलम में, फिर हम वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जितने भी आवेदन आपने वहाँ से रिसीव किए होंगे वो वेरिफिकेशन में आपका दिखाने लगेगा रजिस्ट्रेशन नंबर। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे आपका, एक वेरीफाई करने के लिए आएगा, एक रिजेक्ट करने के लिए आएगा। अगर आपका फॉर्म वो सही है तो वेरीफाई करेंगे, उसके बाद राइट साइड में सबसे लास्ट में सबमिट का बटन होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं मेनली जो सबसे ज़्यादा मुझको कमेंट आते हैं कि फॉरवर्ड नहीं हो रहा। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है कि अगर आपने डिजिटल सिग्नेचर डिवाइस अपना निकाल दिया है तो उसको फिर से आपको लगा लेना है, उसके बाद आपको करना क्या है, फॉरवर्ड पे क्लिक कर देना है। जितने भी आप वेरीफाई करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म को वो सारे फॉरवर्ड लिस्ट में आपके दिखाएंगे इस तरह से। यहाँ देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर दिखा रहा है, नाम दिखा रहा है, पूरा डिटेल है। यहाँ आपको वन बाय वन नहीं करना है, यहाँ एक पेज पे 10 आते हैं, 10 रजिस्ट्रेशन आएंगे, तो यहाँ 10ों को आप वन बाय वन करके चेकबॉक्स पे क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ हम 10ों को सेलेक्ट करके चेक कर ले रहे हैं सेलेक्ट करके, उसके बाद यहाँ देखिए नीचे आ रहा है फॉरवर्ड सेलेक्ट एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये जितने भी हमने सेलेक्ट किए हैं वो फॉरवर्ड करने के लिए यहाँ पे बटन दिया हुआ है। तो यहाँ हमने जितने भी आवेदन सेलेक्ट किए हैं उनको हमको फॉरवर्ड पे क्लिक करना है। इस बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए कंफर्म सर्टिफिकेट के लिए ऑप्शन आएगा। इस केस में फॉरवर्ड सेलेक्टेड एप्लीकेशन जब करेंगे तो आपका डिजिटल सिग्नेचर डिवाइस आपके यूएसबी ड्राइव में लगा होना चाहिए, तब ये ऑप्शन आएगा, नहीं तो नहीं आएगा और आपका एप्लीकेशन फॉरवर्ड भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, कंफर्म सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको ओके कर देना है। यहाँ देखिए अब आपका आ गया 10 रिकॉर्ड्स फॉरवर्डेड सक्सेसफुली, ओके।
ठीक है दोस्तों, 10 रिकॉर्ड थे एक पेज पे, वो फॉरवर्ड हो चुके हैं। तो अगले, अब मैं आगे का बता देता हूँ। अभी तो मैंने डिजिटल सिग्नेचर लगाया हुआ था, अब मैं जो है डिजिटल सिग्नेचर निकाल के आपको दिखा देता हूँ कि क्या एरर आती है। यहाँ मैंने 10 एप्लीकेशन फिर से सिलेक्ट कर दिया, और यहाँ से जो है मैं डिजिटल सिग्नेचर डिवाइस को अपने यूएसबी ड्राइव से निकाल देता हूँ। यहाँ देखिए, यूएसबी की इज़ रिमूव। ठीक है दोस्तों, यहाँ मैंने डिजिटल सिग्नेचर डिवाइस को निकाल दिया है। अब मैं फॉरवर्ड सेलेक्टेड एप्लीकेशन पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए, आई एक्सप्लोर नो सर्टिफिकेट अवेलेबल। दोस्तों, मेरे हिसाब से जो भी आपका इश्यू था, अब वो दूर हो गया होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको पूरा क्लियर बता दिया है कि किस किस स्टेप में आपको डिजिटल सिग्नेचर डिवाइस जो आपका यूएसबी ड्राइव में लगा होना चाहिए, नहीं तो ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है कि नहीं हुई है, और आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सर आपका वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहा है। तो दोस्तों, और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।